टीम दिल्ली पहुंची छे जहां तेओ दिल्हीनी स्कूल अने मोहल्ला क्लिनिकनुं निरीक्षण करवानी छे। बे दिवस दिल्हीना प्रवासे पहुंची आ टीम पहला दिवसे दिल्हीना अलग अलग विस्तारोनी मुलाकात लीधी। पहला दिवसे भदरपुर विस्तारनी केटलीक स्कूलनी मुलाकात लीधी अने आवतीकाले दिल्हीनी नजफगढ़ विस्तारनी मुलाकात ले तेवी पण शक्यता छे। बे दिवस बाद गुजरात भाजपनी टीम दिल्हीमां पत्रकार परिषद करशे अने बे दिवसना प्रवासना निष्कर्षनी जाणकारी आपशे। अकेला भारतीय जनता पार्टी का दल नहीं है, साथ में पत्रकार भी है, राजकीय विश्लेषक भी है। हम सभी लोग ये देख रहे हैं और पूरा दौरा हम कर रहे हैं। कल जब पत्रकार वार्ता होगी तब पूरा दौरा हम देंगे, लेकिन हमें तो पूरा दिन हम देखते रहे, आज भी शाम तक भी देखेंगे और पूरा खेल कल देखने के बाद हमने क्या देखा और क्या है वो हम सब कुछ कल बताएंगे। पहला दिवसे भाजपनी टीम दिल्हीना अलग अलग विस्तार में फरी। जयसंजय कॉलोनी विस्तार थी भाजपे एक स्कूलो वीडियो पर जाहिर कर्यो। भाजपे जाहिर करेला वीडियो में स्पष्ट देखाय छे कि शाळा में छत नहीं पर पतराना हता, दीवालो पर पतरानी हती। वीडियो में तूटेला पंखा ने बेंचीस पण जोवा मळी, तो खुला वायर ने तूटेलू ब्लेकबोर्ड पण जोवा मळी। भाजपना जे 17 टूरिस्टो दिल्लीनी अंदर फरवा गया छे, दिल्लीनी सरकारी स्कूल जोवा अने दिल्लीनी हॉस्पिटल जोवा माटे गया छे, एमने हूँ पहला तो अभिनंदन आपू छू कि तेओए गुजरातनी खराब शिक्षण व्यवस्था जोया पछी हवे ज्यारे दिल्लीनी सारी सरकारी शाळाओ सारा दवाखानाओ जोवा जई रह्या छे त्यारे त्यांथी कंईक शीखीने आवे, कंईक जाणीने समझीने आवे। ગુજરાતની અંદર ભાજપના નેતાઓએ પોતાની સ્કૂલો ખોલી છે, બધા જ ભાજપના નેતાઓની પોતપોતાની માલિકીની સ્કૂલો છે, બા બાપુજીના નામ ઉપર ટ્રસ્ટ ખોલીને શાળાઓનો વેપાર ચાલુ કર્યો છે। તો આજે ટુરિસ્ટો દિલ્હી ગયા છે, એમને વિનંતી છે કે દિલ્હીથી કંઈક શીખીને આવજો।